रिलेटेड किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को पुश करना। हेलो दोस्त, हैप्पी होली। देखिए आज का वीडियो दूसरा वीडियो है जिसका LMRC का सिलेबस के बारे में, फॉर ट्रेन ऑपरेटर कम स्टेशन कंट्रोलर। तो इसमें हम सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहला वीडियो जो था उसमें हमने टेक्निकल पार्ट का कवर कर लिया था जिससे 90 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अब नॉन टेक्निकल की बात आएगी, तो नॉन टेक्निकल में आपका चार पार्ट में डिवाइड है और चारों को टोटल मिला के क्वेश्चन का जो होता है उसका आपका वेटेज 50 नंबर का होता है, मतलब 50 नंबर का। टोटल 140 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 90 क्वेश्चन आपके टेक्निकल का और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का। तो इसमें तीन पार्ट में अलग अलग है, चार पार्ट का अलग अलग मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपकी बात आएगी मैथ की, तो मैथ से करीब करीब 15 क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने ऐसा पैटर्न बना रखा है कि 15 क्वेश्चन मैथ से आता है, इंग्लिश से 10 आता है, एप्टीट्यूड से जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो होता है उससे 10 क्वेश्चन आता है, जीके एंड करेंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आता है। तो ये सारे को अलग अलग फ्रैक्शन में करेंगे। तो हम यहाँ पहले मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपका बोर्ड मार्क्स, देखिए किसी एग्जाम में बोर्ड मार्क्स का इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बोर्ड मार्क्स से सारी मैथों का कैलकुलेशन किया जाता है, इसलिए बोर्ड मार्क्स को डाला जाता है। उसके बाद रेशियो होता है, अनुपात, जिसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये एक है कि लाभ हानि एंड बटा, तीनों को मिला के क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन होता है कि परसेंटेज कितना परसेंट लाभ होगा, परसेंटेज को लाभ हानि से भी जोड़ दिया जाता है तो परसेंटेज होगा। उसके बाद एवरेज होगा, एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं। उसके बाद LCM होगा, HCF होगा, मतलब लघुत्तम और महत्तम का दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन टॉपिक से हमेशा आता है रेल संबंधित, एक या दो क्वेश्चन कई बार रेल से रिलेटेड क्वेश्चन से आ जाता है। उसके बाद वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आएगा, आपका कार एंड समय से क्वेश्चन आता है, फिर पानी एंड टंकी से आता है और स्टीम एंड बोट से आता है, मतलब स्टीम में पानी और नाव के संबंधित जो क्वेश्चन होता है उससे आता है। तो ये मैथ का पार्ट इतना ही होता है, जनरली यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका दूसरा पार्ट है आपका इंग्लिश, इंग्लिश से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आपका सिमिलर मीनिंग, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स दो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आपका दो टाइप है। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग करना होता है, किसी वर्ड को दिया हुआ होता है उसमें अंडरलाइन जो वर्ड होता है उसको आपको करेक्ट करना होता है। उसके बाद फिलिंग दी ब्लैंक्स आती है, मतलब एक किसी भी रूप में हो सकता है, या तो आपको आर्टिकल भरना हो, प्रीपोजिशन भरना हो, या और कोई इंग्लिश का शब्द होगा वो, लेकिन फिलिंग दी ब्लैंक के रूप में रहेगा। तो ये चार टाइप मेनली होते हैं इंग्लिश में जिससे आपको क्वेश्चन करना होता है। उसके बाद आपका जो तीसरा पार्ट था इसमें एप्टीट्यूड या रीजनिंग, देखिए कई लोगों का होता है कि प्रोनाउंस का प्रॉब्लम है, तो वहाँ आप हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप राइट हैंड में जो लिखा हुआ है उसको आप देखिए, उससे आप समझिए कि हमारा मतलब सिलेबस क्या है। तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ एप्टीट्यूड के बारे में। तो एप्टीट्यूड में एज से रिलेटेड होता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होता है, कोड होता है जो इंग्लिश का कोडिंग होता है उससे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, सीरीज होता है ABCD दे के बीच में ब्लैंक दे दिया जाएगा उस टाइप से सीरीज होता है उसका होता है, लेटर यूज इन ग्रुप होता है, एक कॉम्बिनेशन टेबल में एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल जिसमें 6 लोगों या 5 लोगों को कहीं एक जगह बैठा दिया जाता है उसमें होता है। इसके बाद एक लाइन पंक्ति से क्वेश्चन आता है कि अगर किसी रो में 5 लोग खड़े हैं और बीच से आगे से इतने हैं, पीछे से इतने हैं, तो उस नंबर बताना होता है, तो ये आपको क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका डिफरेंस फ्रॉम 4 ऑप्शन, अगर 4 क्वेश्चन दिया होगा उसमें 4 आपका क्वेश्चन का ऑप्शन दिया होगा उसमें एक किसी न किसी से डिफरेंस होगा उसको भी आपको पता करना होता है, ये भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है। तो मेनली 10 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उसके बाद जो फाइनल पार्ट आपका आता है जीके एंड करेंट अफेयर, तो देखिए जीके तो बहुत बड़ी पार्ट हो जाती है, जीके को आपको कवर करने के लिए बहुत लंबी रेस लगानी पड़ती है कंपटीशन में, तो जीके को हम ज़्यादा नहीं कवर करते हुए करंट अफेयर को यहाँ कवर करेंगे। और यहाँ से आपको 15 नंबर आते हैं, तो 15 नंबर करने के लिए आपको सबसे पहले करंट अफेयर और जीके वाला टॉपिक को जीके से ही कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर आपको करीब करीब अगर आपने न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं तो उसे कवर हो जाएगा,
तो चलिए, करंट अफेयर के बारे में तो यहाँ ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसका सिलेबस अनलिमिटेड होता है, जैसे निधन का होता है, आपका खेल से होता है, आपके पॉलिटिकल से होता है, इकोनॉमी से होता है, बैंकिंग से होता है। तो इस तरह से आप जहाँ भी कोई हाईलाइटेड न्यूज है उसको आपको देखना चाहिए करंट अफेयर को। तो चलिए, उम्मीद है कि नॉन टेक्निकल और पहले पार्ट में जो हमने टेक्निकल किया था, तो दोनों मिला के सिलेबस आपका स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए कंप्लीट हो गया है। तो आपको इस सिलेबस के अनुसार से आप ध्यान देंगे तो आपको पिछले एग्जाम का हेल्प मिल जाएगा और आगे आने वाले एग्जामों का तैयारी करने में आसानी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।